तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक बार फिर से लाइमलाइट में है। दरअसल जेनिफर मिस्त्री ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर संगीन आरोप लगाए हैं। हालांकि असित मोदी भी पलटकर उनका जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी सितारे ने असित मोदी पर आरोप लगाए हों और उनकी वजह से शो को छोड़ा हो। जेनिफर से पहले इस शो से जुड़े कई स्टार्स ने कई गंभीर एलिगेशंस असित मोदी पर लगाए हैं। शैलेश लोढ़ा और असित मोदी का झगड़ा एक्टर की सैलरी को लेकर हुआ। शैलेश ने असित मोदी पर पैसे ना देने के आरोप लगाए। शैलेश ने मामले को लेकर असित मोदी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। नेहा मेहता, शैलेश लोढ़ा की तरह नेहा मेहता ने भी असित मोदी पर उनकी कमाई ना चुकाने का आरोप लगाया था। नेहा ने 2020 में ही शो को बाय बाय कह दिया था। साथ ही असित मोदी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने एक्ट्रेस की बकाया राशि नहीं चुकाई। गुरुचरण सिंह ने भी अचानक ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को छोड़ दिया था। यूं तो उनका कारण पिता की सर्जरी बताई गई थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो उनकी और मेकर्स की कहासुनी हो गई थी। दिशा वकानी ने बेटे के जन्म के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा को बाय बाय कह दिया था। बताया जाता है कि उन्होंने भी फीस बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन मेकर्स ने उनकी डिमांड पूरी नहीं की और इसी वजह से वो शो में लौट कर नहीं आई। राज अनातकत अपने किरदार से काफी परेशान होकर नई चीजों में हाथ आजमाना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मेकर्स से भी राज की कहासुनी हो गई थी। और मोनिका भदौरिया ने असित मोदी से फीस बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन मेकर्स ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे में मोनिका ने अचानक ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को छोड़ दिया था।